नमस्कार खबरों की खबर में आपका स्वागत है आज पूरे देश में और खास करके सोशल मीडिया के ऊपर लोग इस कदर खुशियां मना रहे हैं जैसे किसी ओसामा बिन लादेन को पकड़ा गया हो ओसामा बिन लादेन जो आतंकी था लेकिन जो पकड़ा गया है वो तो मुंबई पुलिस का एक शानदार कैपेबल अधिकारी था जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का चहेता था और जिसके बारे में संजय राउत ये बता रहे हैं कि बहुत ही ईमानदार शख्स था उसके ऊपर जो जो आरोप लगे हैं और जिस तरह की सबूतें आई हैं और 12 घंटे की पूछताछ में किस तरीके से उसने कई सारे राज उगले हैं उसके बारे में आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे हालांकि सचिन वाजे सलाखों के पीछे चला गया है लेकिन उसने जो राज खोले हैं वो चौंकाने वाले हैं और ऐसे ऐसे राज जो अघाड़ी सरकार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाली है शिवसेना कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी क्योंकि इसने एन के सामने ये साफ साफ करार किया है कि वो तो इस पूरी साजिश का ऑफ़ आइसवर बर्ग है वो तो सिर्फ एक मुहरा है, बाकी कई सारे बड़े लोग इस साजिश में शामिल हैं और पुलिस अधिकारी चार पांच इसमें शामिल हैं और उसने ये भी बताया कि इसमें इस सेना के कुछ नेताओं का भी हाथ है ये क्या हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर कि ये सरकार नहीं कोई अंडरवर्ल्ड डाउन कंपनी लग रही है जो बड़े बड़े उद्योगपतियों को धमकी देने का काम कर है और धमकी देने का काम कौन कर रहा है यह मुंबई पुलिस कर रही है यह खुलासा हुआ है क्योंकि अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपको भी दंग कर देगा इस पूरे केस में जैसे मुकेश अंबानी के घर के बाहर जिस गाड़ी में जिलेटिन की छड़े रखी गई थी वो विस्फोटक रखे गए थे वो एक स्कॉर्पियो गाड़ी थी अब उस गाड़ी के बारे में अब इसके पुख्ता सबूत मिल गए हैं कि इसे सचिन वाजे इस्तेमाल कर रहा था ये मनसुख हिरेन जिसकी हत्या कर दी गई उनकी पत्नी ने जो आरोप लगाए थे इसके सबूत भी मिल गए हैं और एन ने जब उनके बारे में जो पूछताछ की तो इसने उस चीज को कबूल किया सचिन वाजे ने कहा कि हाँ हमारे पास ये गाड़ी बहुत दिनों से थी उसका इस्तेमाल किया जा रहा था क्योंकि वीडियो एविडेंसेस आ गए बहुत सारी चीजें आ गए लेकिन एक मिस्ट्री और थी कि जिस दूसरी गाड़ी से जो व्हाइट रंग की इनोवा कार थी जिसके जरिए वो विस्फोट रखने वाले को वहाँ से रेस्क्यू किया गया था जिसका मुंबई पुलिस बता रही थी कि कोई ही सीसीटीवी में कहीं वो आया ही नहीं किसी एक स्टॉल नाके पे कहीं नज़र आया था उसके बाद से ये कहाँ गायब हो गया ये ये इनोवा ये पुलिस को पता ही नहीं है लेकिन एन ने जो निकाला है जो सबूत निकाले हैं जो साक्षी निकाले हैं और उसके बारे में जो जानकारी दी है उससे मुंबई पुलिस और मुंबई पुलिस कमिश्नर दोनों ही घेरे में आ गए हैं क्योंकि यह बताया जा रहा है कि ये जो व्हाइट रंग की इनोवा कार थी यह मुंबई पुलिस कमिश्नर के हेडक्वार्टर के पास ही लगी रहती थी और इसका इस्तेमाल सचिन वाजे की टीम क्राइम ब्रांच जो क्राइम इंटेलिजेंस ब्रांच जो है वो कर रही थी मतलब पुलिस वाले ही इस दोनों गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे थे जिसका इस्तेमाल अंबानी के घर को उड़ाने के लिए धमकी देने के लिए किया गया अब ये क्या है अंधेर नगरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि इससे तो इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है सचिन वाजे को कि जैसे वो कोई ओसामा बिन लादेन हो ओसामा बिन लादेन से भी ज्यादा खतरनाक है ओसामा बिन लादेन तो नॉन टेररिस्ट था ये तो सिस्टम में बैठ के उन लोगों के साथ इसके रिश्ते जुड़े हुए हैं जिन लोगों ने प्रधानमंत्री के ऊपर जानलेवा हमला किया था पटना के अंदर ये सारे लोग ये जो तहकीकात चल रही है तिहाड़ के अंदर अगर इस पूरी साजिश के अंदर इन लोगों का भी हाथ शामिल प्रूव हो जाता है तब तो ये कहा जाएगा कि ये मुंबई पुलिस ये कोई पुलिस नहीं यह आतंकी संगठनों की एक बी टीम बन करके मुंबई में आतंक फैलाने का काम कर रही थी इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है क्योंकि इंडियन मुजाहिदीन के जो लोग जिनके पास से दो दो फोन निकले हैं वो उस फोन से धमकी दी गई थी मुकेश अंबानी और नीता अंबानी को तो ये जो पूरा राज है ये क्यों हो रहा है किस तरीके से हो रहा है और इस बीच आपने स्कॉर्पियो की मालिक की हत्या भी करवा दी ये तो अजीब स्थिति है कि एक शख्स जो आपको गाड़ी दे रखा था आपने अब ये जो बातें सारी चीजें हो रही है उससे मनसुख हिरेन की पत्नी के जो बयान है उसकी पुष्टि हो रही है कि ये गाड़ी सचिन वाजे के पास थी और सचिन वाजे ने ही उनसे कहा था कि तुम ये इकरार कर लो तुम अपने आप को सरेंडर कर दो तुम जेल चले जाओ उसके बाद मैं तुम्हें छुड़वा लूंगा मुख्यमंत्री और पुलिस कमिश्नर को भी चिट्ठी ने सचिन वाजी ने लिखवाई थी इससे जिसकी इसने हत्या करवा दी अब इसमें तो कोई डाउट रहा ही नहीं कि किस तरीके से मनसुख हिरेन की हत्या बीच समंदर में की गई अब सारी रिपोर्ट्स आ गई हैं बताया जा रहा है कि उसको मार करके समुद्र में फेंक दिया गया था तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं वो अपने आप में बताता है कि मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र की सरकार किस तरीके से सरकार वहां पे चला रही है और ये जो डिमांड किया जा रहा है कि जो तमाम पुलिस ऑफिसर्स हैं ये तमाम जो शिवसेना के लीडर्स जिनका नाम ये बता रहा है इन सब का नार्को एनालिसिस हो इन सब से पूरी अच्छी तरीके से पूछताछ हो ये पता किया जाए कि ये किसके कहने पे किस से पैसे लेकर के और क्या किस वास्ते उसका मोटिव क्या है ये पता लगाना ये पता चलना ये देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अब इसमें एक नया ट्विस्ट आ रहा है एनआईए की पूछताछ में अचानक से सचिन वाजे का शुगर लेवल डाउन हो गया रात में उनको फिर वो चढ़ाना पड़ा ग्लूकोज फिर जाकर के उनकी हालत ठीक हुई अब देखिए ये वही शख्स है जिसने अर्नब गोस्वामी को सवेरे सवेरे उसके घर से घसीट के उसके परिवार उसके बच्चे उनकी बीवी को इसने टॉर्चर किया था अब ये कर्म का जो फल है इतना जल्दी मिल जाएगा ये तो किसी ने सोचा नहीं था और ये संजय रावत ये शिवसेना के लोग इसको किस मुंह से डिफेंड कर रहे हैं यह भी समझ के बाहर की चीज है क्योंकि एनआईए के पास वो सारे साक्ष सारे सबूत मिल चुके हैं और जो नया डेवलपमेंट जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस वक्त लगातार जो एनआईए की टीम है वो छापामारी कर रही है बताया ये जा रहा है कि दोनों गाड़ी के जो ड्राइवर्स थे उनको लोकेट कर लिया गया है ये लोग थाने के अंदर हैं और इनकी गिरफ्तारी कुछ घंटों के बाद हो जाएगी साथ ही एक बिजनेसमैन का नाम आ रहा है शिवसेना के, के लिए बुलाया जाएगा और इतना ही नहीं जब ये मसला सामने आया था तो किस तरह से वहां की सरकार ने मुंबई पुलिस को जांच के लिए दे दिया आप देखिए यह अजीबो स्थिति है इतनी बड़ी घटना देश के सबसे बड़े उद्योगपति के घर के बाहर विस्फोटक मिल रहे हैं और उद्धव ठाकरे ने उसी शख्स को जांच के लिए लगा दिया जो इसका मेन षड्यंत्रकारी है इसके लिए तो इनाम मिलना चाहिए उद्धव ठाकरे को ये अघाड़ी सरकार को तो इसके लिए बहुत बड़ी इनाम मिलनी चाहिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम जाना चाहिए इस तरह से काम करती है स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस कि जो मुख्य आरोपी है जो सलाखों के अंदर चला गया यहां के ये जो कहते न अंधेर नगरी चौपट राजा और वही काम हुआ के मुख्य आरोपी से आप जांच करवा रहे थे तो यह किस तरह से स्कॉटलैंड यार्ड मुंबई की काम करती है यह तो इसका पर्दाफाश इसमें हो गया ये लोग अपना चेहरा कहीं दिखाने लायक नहीं बचे हैं और अभी भी वक्त है कि मुख्यमंत्री को सामने आकर के इसके लिए माफी मांग लेनी चाहिए लेकिन सामना में आज फिर आ गया आप जिद में पड़े हुए हैं लेकिन अभी तो खेल शुरू हुआ है क्योंकि एनआईए के लोग उन तमाम जांच अधिकारी ये जो सचिन वाजे की टीम के साथ जो इंटेलिजेंस यूनिट है जो उस इनोवा का इस्तेमाल कर रही थी जो इस स्कॉर्पियो का इस्तेमाल कर रही थी उन सब से पूछताछ कर रही है और ये सब पूरी कहानी अपने आप बताएंगे और नहीं तो इनकी जगह जो है वो तिहाड़ जेल में मुकर्र कर दी जाएगी क्योंकि ये जो तमाम जो पुलिस अधिकारियों से जो पूछताछ हो रही है ये भी दरा दर नाम बता रहे हैं कि ये क्या पूरा मसला था ये इतनी बड़ी घटना और इसका जैसुल हिंद नाम के आतंकी संगठन से उसका एक तार निकल जाना अपने आप में बता रहा है कि ये एक ऐसी साजिश है जिसके जिसके अंदर बड़े बड़े चेहरे बड़े बड़े पुलिस अधिकारी बड़े बड़े नेता इसमें फंसने वाले हैं क्योंकि ये बात बिल्कुल उसने सही कही सचिन बाजी ने यह तो एक अदना सा असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर है इसकी तो हैसियत ही नहीं है कि अंटेलिया मुकेश अंबानी या बड़े बड़े उद्योगपति के घर जाकर के इस तरह का तमाशा कर सके ये तो एक प्यादा है इसके पीछे कौन लोगों का दिमाग चल रहा है ये बात कुछ दिनों में सामने आएगा लेकिन एक बात जरूर कहना पड़ेगा कहाँ है मुंबई पुलिस के पुलिस कमिश्नर उनको सामने आना चाहिए उनको बताना चाहिए ये क्या ये खबरें सही हैं या गलत हैं कि आपकी पुलिस उन गाड़ियों का इस्तेमाल कर रही थी आपके दफ्तर के बाहर वो गाड़ी पार्क हुआ करती थी जिसका इस्तेमाल मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक रखने में किया गया क्या वो जवाब देंगे नहीं देंगे सोशल मीडिया के अंदर लोग खुशियां इसलिए मना रहे हैं क्योंकि जिस हिसाब से मुंबई में पुलिस और वहां की सरकार नियम कानून को ताक पर रखकर अपने विरोधियों के ऊपर एजेंडा चलाती है उससे पूरा देश बिल्कुल ही नाराज था जिस हिसाब से अर्नब गोस्वामी के साथ कंगना रनौत के साथ और कई सारे लोगों के साथ मुंबई की पुलिस ने बर्ताव किया है ये नहीं पता था कि ये लोग इस तरह की घटिया हरकत में भी शामिल हो सकते हैं जिन कंधों के ऊपर मुंबई की सुरक्षा की जिम्मेदारी है ये लोग वो विस्फोटक लगा रहे हैं अब वक्त बहुत कम बचा है शिवसेना के लिए भी उन तमाम साजिश रचने वाले लोगों के लिए भी क्योंकि एनआईए जिस ताबड़तोड़ तरीके से इस पूरे केस को जांच कर रही है इसमें किसी का बच पाना बड़ा ही मुश्किल लग रहा है आप देखते रहिए कैपिटल टीवी हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेलाइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचती रहे आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया